तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो फ्रेंड्स, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो लॉज होते हैं जो जितने भी केमिकल चेंज केमिस्ट्री में होते हैं, उन सारे को ये गवर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों के एनसीईआरटी बुक में 5 लॉज के बारे में जिक्र है, लेकिन एक और लॉज होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, उसको भी हम लोग इस वीडियो में लेते हुए चलेंगे, क्योंकि हम लोग के जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं नीट्स जेई, उनमें कभी कभी इनसे क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने 9 क्लास में इनमें से 2 लॉ को हम लोग पढ़ रखा है। पहला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा जो हमारे पास लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग इस सारे लॉ को देखते हैं। तो दोस्तों, पहला जो हमारे पास लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट मास, और इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको फ्रेंड्स हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, इस लॉ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, और इसको पहली बार हम लोग को दिया था एंटोइन लेवोसियर ने इन 1789। तो ये लॉ हमसे कहता है कि द टोटल मास ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। मतलब इसका ये हुआ कि रिएक्शन होने से पहले जो रिएक्टेंट साइड का मास होगा, वही जितना मास उसका प्रोडक्ट में जो नया सब्सटेंस बना वही रहेगा। इसको हम लोग अच्छी तरह से अदर वे में कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय। जितना मास रिएक्टेंट साइड रहेगा उतना मास हमारे पास प्रोडक्ट साइड रहेगा। इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो दोस्तों, जो वाटर का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर हम लोग को 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस चाहिए और 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, मास की बात करें तो। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन देखें तो यहाँ पर हम लोग इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस लग रहा है और 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस लग रहा है मास के हिसाब से देखें तो। और यहाँ पर जो H2O का फॉर्मेशन हो रहा है वो 18 ग्राम हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखें कि जब 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम हम लोग जब करें तो यहाँ भी 18 आएगा, और जो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड है वहाँ भी 18 है। तो हम लोग देख सकते हैं इजली कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोस्तों, हमारे पास दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको 1897 में प्राउस्ट ने हम लोग को इस लॉ को दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्ट द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। इसका मतलब फ्रेंड्स, जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे H2O है वो एक कंपाउंड है, तो उसका जो फॉर्मेशन होगा वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में रहेगा। सेम प्रोपोर्शन कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे और 1 ऑक्सीजन रहेगा। हम कहीं की भी वाटर को लेते हैं, चाहे वो सी हो, चाहे वो ओशियन हो, चाहे वो होम हो मतलब घर हो, हम कहीं से भी वाटर ले तो वहाँ पर H2O ही रहेगा, H3O नहीं रहेगा, क्योंकि वाटर जब भी होगा तो वो डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेगा, जो कि वाटर का H2O में 2H रहेगा और 1 ऑक्सीजन रहेगा। तो दोस्तों, इसको जब हम लोग और डिटेल में समझेंगे तो एक बार क्या हुआ, जो प्राउस्ट हैं उन्होंने 2 सैंपल लिया क्यूप्रिक कार्बोनेट का। तो जो इसमें एक था वो नेचुरल था और दूसरा जो था वो सिंथेटिक था, मतलब मैनमेड था। तो यहाँ पर जो नेचुरल था उसका कॉम्पोजिशन जब कॉपर में देखा गया तो 51.35 था, दूसरा जब कार्बन देखा गया तो 9.74 था, और ऑक्सीजन 38.91 था। और जब हम लोग सिंथेटिक सैंपल्स को भी लिए तो हम लोग वही सेम देखने को मिला। तो फ्रेंड, इसका मतलब यही है कि कोई भी जब कंपाउंड होता है उसमें कहीं भी कहीं से भी हम लोग कोई भी कंपाउंड ले तो उसका जो प्रोपोर्शन रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा डेफिनेट रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसको हम लोगों ने देखा कि 1803 में डेल्टन, जो जॉन डेल्टन थे, इन्होंने ये लॉ को दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ थोड़ा सा मतलब हम लोग को समझने लायक है। ये जो 2 लॉ हम लोगों ने पीछे देखा उसको हम लोग 9 क्लास में भी बहुत अच्छी तरह से समझ के आए थे। जो थर्ड लॉ यहाँ पर हम लोग को डिफरेंट देखने को मिलेगा वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो दोस्तों, ये लॉ हमसे, लॉ कहता है हमसे कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं
जो एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो जो एक फिक्स्ड मास है वो तो फिक्स रहेगा जो, लेकिन जो दूसरा जो अनफिक्स है जो कंबाइन कर रहा है फिक्स मास के साथ, वो सिंपल रेशियो में रहेगा। इसको तुम लोग जब यहाँ पर पढ़ोगे इस वाले स्टेटमेंट को, तो शायद तुम लोगों को यहाँ पर समझ में ना आए। हम लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यहाँ पर एग्जांपल ये है कि जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर दो चीज़ का फॉर्मेशन होता है। पहला तो होता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो वाटर का, और जब दूसरी बार ये कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का मास यहाँ पर डिफर हो रहा है डिफर कंपाउंड के लिए। तो यहाँ पर वाटर बन जा रहा है जब 16 ग्राम ले रहे हैं, जब 32 ग्राम ले रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जा रहा है। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमको कह रहा है कि जो एक जो हमारे पास कंपाउंड जो फिक्स है उसके साथ जो रिएक्ट कर रहा है, ये जो यहाँ पर 2 ग्राम यहाँ पर भी है, 2 ग्राम यहाँ पर भी है, तो ये जो एक एलिमेंट्स है वो कंपाउंड है ये फिक्स है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 ग्राम है, यहाँ पर भी 2 ग्राम है, लेकिन जो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो डिफर कर रहा है, यहाँ 16 ग्राम है, यहाँ 32 ग्राम है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब ये जो लॉ कह रहा है कि जो डेफर कर रहा है उस जो डेफर कर रहा है उसका जो मास होगा वो सिंपल होल रेशियो में रहेगा। सिंपल होल रेशियो कहने का मतलब जैसे 1:2, 2:1, जैसे ऐसे कोई भी रेशियो में रहता है तो वो हम लोग को सिंपल होल रेशियो कहते हैं उसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है यहाँ पर 16 ग्राम है और यहाँ पर है 32 ग्राम, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1:2 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये सिंपल होल रेशियो में हमारे पास है। फिर इसी को हम लोग दूसरा एक एग्जांपल लें, तो जैसा कि कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये भी दो कंपाउंड देता है। तो फ्रेंड्स जो पहला है हमारे पास CO और दूसरा है CO2। तो CO में 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन रहते हैं और 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन रहते हैं, और CO2 में 12 पार्ट ऑफ कार्बन रहते हैं और जो यहाँ पर ऑक्सीजन है और 16 बढ़ जाता है और यहाँ पर 32 पार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी वही रेशियो का फॉर्मेशन हो रहा है, 16:32 मतलब 1:2। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिंपल रेशियो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी है हमारे पास आएगा अंडर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तुम लोग आसानी से समझ चुके होगे कि ये स्टेटमेंट अब क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कह रहा है इफ़ टू एलिमेंट्स, तो हम लोग जब टू एलिमेंट्स देखें, पहला हम लोग केस देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंबाइन, मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो वहाँ पर एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, पहला है वाटर का और दूसरा हो रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ जो कंपाउंड मासेस ऑफ वन एलिमेंट डेट कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट। तो फ्रेंड्स वहाँ पर हम लोग मास देखे थे ऑक्सीजन का जो है फिक्स नहीं है तो वो, और फिक्स है हाइड्रोजन का, तो जो कंबाइन कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मासेस ऑफ वन एलिमेंट डेट कंबाइन विथ फिक्स मास, तो फिक्स मास के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है ऑफ अनदर एलिमेंट्स आर इन दी सिंपल रेशियो स्मॉल होल नंबर रेशियो या सिंपल होल नंबर रेशियो। तो फ्रेंड्स इसको इजली तुम लोगों ने समझ लिया इस लॉ को। अगर तुमको अभी भी इस लॉ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम कमेंट सेक्शन में अभी भी डाल सकते हो। फ्रेंड्स इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर वीडियो के लास्ट में भी देखेंगे, तो अभी तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी यहाँ पर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो आगे जाकर और यहाँ पर मैं क्लियर करूँ। दोस्तों जो हमारा फोर्थ लॉ है वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। मैंने जैसा कि ये बताया कि एनसीईआरटी के बुक में तुमको ये लॉ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम लाइक नीट और जेई में ये इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों इसको रिचर्ड ने 1792 में इस लॉ को हम लोग को दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जब दो एलिमेंट ए और बी रिएक्ट करते हैं आपस में जो कंपाउंड देता है, ऑल्सो कंबाइन विथ अनदर एलिमेंट्स जो एक और कंपाउंड देता है, तो वो एक सिंपल मल्टीपल रेशियो को करता है जो इक्वल हो, नहीं तो वो सिंपल मल्टीपल रेशियो में। पता है तुम लोग को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो चलो जैसा कि हम लोग प्रीवियस लॉ में देखे थे एग्जाम्पल से, तो इसको भी पहले हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं फिर इसको इंटर रिलेट करेंगे विथ द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो देखो फ्रेंड्स मैंने इसको आसान करने के लिए एक फिगर टाइप बना दिया है। तो यहाँ पर हमारे लॉ में कह रहा है कि दो एलिमेंट है
ए और बी। तो यहाँ पर ए जो एलिमेंट है हमारे पास वो है सल्फर और जो बी है ऑक्सीजन है। तो फ्रेंड्स ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो SO2 का फॉर्मेशन होता है। और एक और कंपाउंड हम लोगों को कह रहा है कि दोनों जिसके साथ रिएक्ट करें, सल्फर भी रिएक्ट करें ऑक्सीजन भी रिएक्ट करें, तो वो हमारे पास है हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो कि जो हाइड्रोजन है वहाँ पर जब सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो H2S का फॉर्मेशन हो रहा है, और दूसरा जो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोस्तों अब देखो यहाँ से तुम लोगों को समझना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जब देखें कि एटॉमिक मास से, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2% है और जो यहाँ पर जो सल्फर है वो 32 होता है एटॉमिक मास। तुम लोगों को कम से कम 1 से 30 तक तुम लोग को बहुत ही अच्छा तरीके से पूरे कॉपी दिमाग में होना चाहिए जितने भी एटॉमिक मास है। तो फ्रेंड्स अगर तुम लोग को याद नहीं है तो एक बार ज़रूर उसको याद करो जिससे कि तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो देखो दोस्तों यहाँ पर H2S में 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फर है, तो इसका जो हम लोग मास से रेशियो निकालेंगे तो 2:32 होगा। वैसे ही जो H2O है उसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2:16 होगा। और SO2 में हम लोग देखें तो यहाँ पर एक है सल्फर, तो यहाँ पर 1 सल्फर है तो 32, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 = 32। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नोट्स में बहुत ही अच्छी तरह के इसको एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों अब देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो तुम लोग कि यहाँ पर जो 32 है और यहाँ पर जो 16 है, हम लोग देखें जो ये सल्फर का है और ये ऑक्सीजन का है, तो यहाँ पर जो रेशियो बन रहा है जो आ रहा है वो 2:1 आ रहा है। तो यहाँ पर एक सिंपल रेशियो वेयर किया और ये म्यूचुअली इक्वल भी होता है। देखो फ्रेंड मतलब कहने का म्यूचुअली सिंपल होता है कैसे कि यहाँ पर 2:1 है, ठीक है, और यहाँ पर 1:1 है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये दोनों सिंपल है और ये एकदम म्यूचुअल है क्योंकि यहाँ से 1 आ रहा है और यहाँ से भी 1 आ रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फ्रेंड्स इसको अगर तुम लोग को समझने में दिक्कत हो रही है इस लॉ को तो चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि इससे बहुत ही कम चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ईजी रहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग स्टेटमेंट से समझने की कोशिश करें। तो स्टेटमेंट कह रहा है व्हेन 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, तो हम लोग एलिमेंट्स एक लिए थे सल्फर एक लिए था ऑक्सीजन, रिएक्ट करते थे आपस में एक कंपाउंड बनाते थे जिसका नाम था SO2, और फिर जब वो अल्सो कंबाइन करते थे अनदर एलिमेंट, यहाँ पर जो अनदर एलिमेंट था वो हाइड्रोजन था। तो वहाँ पर जो रेशियो होते थे मास इनका, इन दोनों का मास का जो होता था वो एक सिंपल रेशियो बनाता था 1:1, और ये जो म्यूचुअल रिएक्टिन रेशियो है जिसे 2:1 होता था। तो दोस्तों फिफ्थ नंबर हमारे पास जो लॉ है वो गे लोसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है। तो इसको जो हम लोग को दिए हैं 1808 में गे लोसेक, तो इस लॉ हम लोगों को कहता है कि अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब जब भी कंडीशन में हम लोग को टेम्परेचर और प्रेशर जब सेम रहता है तो वहाँ पर जो वॉल्यूम होगा रिएक्टेंट का और जो वॉल्यूम होगा प्रोडक्ट का वो सिंपल रेशियो बेयर करेगा। इसको भी हम लोग टिपिकली अपने हिसाब से एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल में जैसे हमारे पास है एक CO2, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हम लोग कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो इसका रहेगा और जो इसका वॉल्यूम रहेगा वो एक सिंपल रेशियो में रहेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग को देखो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग को वॉल्यूम जब निकालना होता है तो हम लोग सिंपली यहाँ पर जो कोफिशिएंट प्रेजेंट होते हैं जैसे लाइक यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं मतलब वहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट होते हैं उसी को हम लोग वॉल्यूम लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो 2 वॉल्यूम यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 कोफिशिएंट है, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो इसी को हम लोग अब रेशियो मान लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सिंपल रेशियो में है 2:1:2, और वैसे ही हम लोग N2 का बात करें तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 1 वॉल्यूम है, यहाँ पर 3 वॉल्यूम है, यहाँ पर 2 वॉल्यूम है, तो यहाँ पर सिंपली एक रेशियो का फॉर्मेशन हो रहा है जो है 1:3:2। इसके बाद सबसे इजी लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। तो इस लॉ में क्या है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल के। इसको तुम लोग समझोगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट करता है एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो दोस्तों देखो इसमें क्या है कि जैसे कि हम लोग
जब प्रेशर और टेम्परेचर को सेम कर देते हैं और H2O 100 ml H2O लेते हैं और मान लो कि उसमें 18 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो फ्रेंड्स अगर हम लोग एमोनिया को वही टेम्परेचर और वही प्रेशर दें और 100 ml ही दें तो उसमें भी 18 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को सेम नहीं रखते हैं तो जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है वो डिफर कर सकते हैं। तो ये था हमारा सारे लॉ। अब हम लोग कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आंसर और जिसको हम लोग और ट्राई करेंगे जिससे हम लोग को लॉ को यूज करना आए। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव 12 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड 3.6 ग्राम ऑफ HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग को सिंपली पूछ रहा है कि NaCl कितना हम लोग को चाहिए ये सारे रिएक्शन में। तो सबसे पहले तो हम लोग सॉल्यूशन जब इसका बनाएंगे तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वेशन हम लोग को दिया है वो इक्वेशन को यहाँ पर लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग जब NaCl रिएक्ट कर रहा है ये सारे डाटा के साथ तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कितना ग्राम्स ऑफ NaCl इसको चाहिए इस इक्वेशन में, तो इसको हम लोग को निकालना है। तो अब जैसा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, जैसा कि हम लोगों ने देखा। तो इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है हम लोग को, जो मास जो हम लोग को पता नहीं है NaCl का तो हम लोग उसको मान लेंगे x, लेट NaCl मास ऑफ NaCl बी x। तो फ्रेंड्स इस लॉ को हम लोग फॉलो करते हैं तो x प्लस 9.8 इज इक्वल टू 12.0 प्लस 3.6 इक्वल होगा। तो इसको हम लोग अब सिंपली पुट कर देंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा वो 5.85 ग्राम आएगा इसका फाइनल आंसर। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को अपने। तो दोस्तों दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो 5 ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, पहला N2O, N2O2, N2O3, N2O4 एंड N2O5। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो मल्टीपल प्रोपोर्शन को ये फॉलो कर रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग देखे थे कि मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता था कि जो एक जो फिक्स्ड होता था एलिमेंट और जो उसके साथ जो कंबाइन करता था जो अनफिक्स्ड रहता था वो एक सिंपल रेशियो वेयर करता था। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखें तो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का तो यहाँ पर देख सकते हैं 28 यहाँ पर रहेगा, हम लोग जब निकालेंगे कि 14 × 2 = 28, फिर 16 यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि बढ़ते जा रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ, लेकिन यहाँ पर ये कांस्टेंट रह रहा है तो जो यहाँ पर N है वो फिक्स कंपाउंड हो जाएगा और जो O यहाँ पर हो रहा है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मस्ट जो O जो होगा मस्ट बी बियर अ सिंपल रेशियो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 16 हो रहा है, 32, 48, 64, 80। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रेशियो एक स्मॉल होल नंबर कर रहा है 16, 32, 48, 64 और 80। तो यहाँ पर एक रेशियो का फॉर्मेशन हो रहा है 1:2:3:4:5। तो ये एक सिंपल रेशियो का चूंकि ये फॉर्मेशन कर रहा है इसीलिए ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों लास्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हाउ मच ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड फॉर कम्प्लीट कम्बसन ऑफ 40 ml एसिटिलीन। दोस्तों यहाँ पर C2H2 होगा, यहाँ पर गलती से मेरे से 5 लिखा गया है तो यहाँ पर सारे में हम लोग ठीक कर लेते हैं C2H2। तुम लोग समझ गए ना मतलब। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसा कि हम लोग को क्या करना होगा कि पहले इक्वेशन को लिखना होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि जब भी यहाँ पर कम्बसन होता है तो वहाँ पर O2 गैस हम लोग वहाँ पर पास कराते हैं, मतलब वो हवा ही में ना मतलब करेगा, एयर में ही ना कम्बसन करेगा, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ही कम्बसन करता है और जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ पर CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों पहले हम इस इक्वेशन को लिख देंगे, इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग को क्या करना होगा कि काउंट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट है, पहले यहाँ से मिलाते हैं हम लोग, पहले कार्बन को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट है लेकिन जो हम लोग लेफ्ट राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर 1 ही कार्बन प्रेजेंट है। तो सिंपली हम यहाँ पर 2 कार्बन CO2 लिख देंगे। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 होगा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ 2 होगा, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये दोनों हाइड्रोजन तो सही है। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की बात देखें तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स तुम लोग कि देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन यहाँ पर है
टू और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास है 4, 1, 5। तो हम लोग को यहाँ पर देखें RH साइड में, तो यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है। तो हमको सिंपली क्या करना होगा कि 5/2 लिख देना होगा ऑक्सीजन के सामने। यहाँ पर O2 है तो यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लोग 5/2 लिख देंगे। अब इसको हम लोग को 2 को हटाना है, तो उसके लिए हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग सिंपली 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2C2H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 2 हट जाएगा, तो 5O2 हो जाएगा, और जो 4 हो जाएगा 2×2 तो हो जाएगा 4CO2 और 2H2O। अब क्या करना होगा दोस्तों कि देखो, जब 2C2H2 यहाँ पर है और वो 5OO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जो एक होगा वो भी एक कितने के साथ रिएक्ट करेगा। तो सिंपली मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है कि 5/2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और जो 40 ml ऑफ C2H2 है वो हम लोगों को रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर 100 ml और ऑक्सीजन हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा जो होगा वो 100 ml होगा। दोस्तों ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन दो मैंने तुम लोगों के लिए दिया है, जिससे कि तुम्हारी प्रैक्टिस चलते रहे इस लॉकडाउन में भी। अगर तुम लोग को ये क्वेश्चन बना लेते हो तो इसका जो आंसर है पब्लिकली कमेंट सेक्शन में डाल देना, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं चेक करके तुम लोग को बता दूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अब तुम लोगों का काम स्टार्ट होता है। इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो क्या देख रहे हो, जल्दी से इसको लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करो ताकि वो भी अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जब भी मैं तुम लोग को नए वीडियो डालूँ तो तुम लोग उसको सबसे पहले देख सको और अच्छी तरह से चैप्टर को कंप्लीट कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।